रमेश, ओ रमेश, रमेश आ गया, मैं आ गया। रमेश अब मेरे ने दिखाना क्या है? अबे नुक्कड़ और क्या, तो चलो फिर आज हम मोल लूंगा। हां जी। अरे बच्चों मोल लो। हां जी। भाई चढ़ता है ना। हां जी। मैं सबको बुलाना। हां जी। अरे आओ आओ, अरे नाटक देखो। आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, साहिबान, मेहरबान कर अदा, यहाँ पर मौजूद सभी नौजवान कैसे हैं भाईजान? ये वाले शाहरुख खान और आप हैं उमराव जान। अरे जिनके हाथ है खाली या जिनके हाथों में है सामान, सिर्फ 10 मिनट निकालिए अपने बिजी स्केड्यूल से और दीजिए हम पर ध्यान, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है मतदान। तो बजाओ रे। तो जमुरे शुरू करे। सावधान सावधान सावधान, यहाँ उपस्थित सभी नौजवान खोल अपने अपने कान, क्योंकि फिर शुरू होने जा रहा है खेल जिसका हो चुका है ऐलान। खेल तो पुराना है भाईजान, लेकिन आज भी है वही आन बान और शान। खेल कौन सा खेल और क्या है इस खेल का नाम? इस खेल का नाम है मतदान। मतदान? हाँ मतदान। कौन खेलता है ये खेल और इसमें क्या होता है श्रीमान? देश की जनता का ये खेल और देश का संविधान। लेकिन इस खेल में कौन होगा हमारा कप्तान? जिसे चुनोगे तुम अपना नेता, वही बनेगा हमारा कप्तान। पेजे में तो जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ सवाल है जो कर रहे हैं परेशान। अरे पूछो पूछो, आज हम तुम्हें देंगे मतदान का ज्ञान। कौन कौन कर सकता है मतदान? 18 साल के ऊपर हर एक युवक, युवती, श्रीमती और श्रीमान। क्या बात है, इसका मतलब मैं भी कर सकती हूँ मतदान। हाँ, पर उससे पहले तुम्हें जुटाना होगा बहुत सा ज्ञान। क्या क्या देखना पड़ेगा श्रीमान? चुनो से जो हटाए गरीबी, गंदगी, करप्शन और दिलाए बीमारियों से समाधान और बनाए अपने राज्य को महान। वाह वाह, ये बताइए कब खेलना है ये खेल और कब करना है मतदान? अरे नादान, बहुत जल्द आने वाली है तारीख कि कब है मतदान। हाँ हाँ, पर इतनी लंबी लंबी लाइनों में कौन खड़ा होगा श्रीमान? अरे नादान, देश के जवानों ने दी है जान, तुम सिर्फ एक दिन नहीं दे सकते, कैसे हो तुम नौजवान? अरे बस बस श्रीमान, अब तो मेरे घर के सभी लोग करेंगे मतदान, फिर होता रहेगा होटल में खान पान, पर अभी भी ये समझ नहीं आया कि हम किसे चुने अपना कप्तान। चल तुझे ले चलता हूँ इलेक्शन के मैदान, जहाँ सब खींच रहे होंगे एक दूसरे की टांग, तो चले बेटा जा। इलेक्शन से पहले आदाब बाबूलाई साहब होशियार, साहिबे आलम चोरों के सम्राट, धोखेबाजों के उस्ताद, भूखे भिखारी बहरूपिए भीख मांगने को तशरीफ ला रहे हैं। हमें विजयी बना दो, एक वोट दिला दो, एक मोहर लगा दो, हमें विजयी बना दो। इलेक्शंस के बाद पाई लागू माय बाप, पाई लागू। अरे इन्हें भगा दो, इन्हें जल्दी भगा दो। धोखा धोखा धोखा, खाया खाया खाया। जैसा आप लोगों ने देखा, कुछ ऐसा ही हाल होता है इलेक्शन से पहले और इलेक्शंस के बाद, इसीलिए आपका हर एक वोट बहुत कीमती है, इसे ऐसे ही जाया ना करें, सोच समझ कर इसका उपयोग करें और सही नेता चुनें। नमस्कार, हम चाहते हैं आप अपने वोट हमें दें, हम इस देश की प्रगति और विकास के लिए काम करेंगे। हेलो, प्रगति तो हमारी 6 साल की हो गई है और विकास के भी आने की पूरी पूरी तैयारी है। देश की उन्नति कोई मजाक की बात नहीं है। अबे चल बे चल, आप हमको वोट दीजिए, हम आपको खंबा देंगे। तो मैं बताइए, हम इस प्रदेश के लिए मिलकर काम करेंगे। चल ये लो। अरे अब तो मापे को वोट देंगे। बहुत अच्छे। तो देखा आप लोगों ने, ठीक इसी प्रकार हमें बहकावे में लेकर या हमें लालच में डालकर हमसे हमारे वोटों की कीमत लगवा दी जाती है। तो आइए मिलकर प्रण लेते हैं, जो बांटे दारू साड़ी नोट, उसको कभी ना देंगे वोट, वोट हमारा है अनमोल, इसका कभी ना देंगे।
आलू आलू। देख तेरे लहर पर गुस्तक बड़ बोली ठग आई है, तुझे ठगने का वादा संग लाई है। दे दे बाबा दे दे, दे दे बाबा दे दे, तेरा माल प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तेरा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, बस एक वोट दे दे। मोहतरमा का चिन्ह आलू, इस आलू चिन्ह को वोट देकर हमें विजयी बनाए। आलू 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 भालू, हमारा चुनाव चिन्ह है भालू। इस भालू के चिन्ह के बटन को दबाएं और सड़कों पर धूल मिट्टी का लाभ उठाएं। अपनी आंखों में झोंकने के लिए धूल, गुरु मकर डोंगी के चुनाव चिन्ह का बटन दबाएं और इन्हें कामयाब बनाएं। भालू भालू भालू, अरे गली गली में शोर है, मैडम भालू चोर है। अरे भालू तो दरिंदा है, अरे आलू तो उससे भी गंदा है। ये भालू इस आलू को खा जाएगा और ये आलू इस भालू के पेट में तबाही मचाएगा। अरे हमारा भालू तो गरीबों का मसीहा है और हमारा आलू सभी का प्यारा और दुलारा है। इधर आ इधर आ। क्या? चल हट। अबे देखते क्या हो, मारो इनको। तो देखा आप लोगों ने क्या चल रहा है आजकल की हमारी राजनीति में। तो हमें हटानी है गंदगी और संवारना है अपना हिंदुस्तान। तो चलो भाई और बहनों करने मतदान, क्योंकि वोट देना है हमारा अधिकार और जो ना दे उस पर है दिक्कत। होते हैं दंगे, चलती है गोलियां, हर एक जान की लगती है बोलियां। पहले लोग देते थे स्कूलों में चंदा, अब तो बना दिया है शिक्षा को ही धंधा। अगर मैं वोटर अपने अधिकारों का सही से पालन ना करूं तो आखिर क्यों दूं मैं वोट? अरे मेरे एक वोट देने से क्या हो जाएगा? नहीं, किसका भला हो जाएगा मेरे एक वोट देने से? और किसको दूं वोट? हाँ, ये जिसने पैसे देकर पार्टी की टिकट खरीदी उसे, या फिर जो हर रोज घोटाले कर रहा है उसे? अरे इस देश में भ्रष्टाचार तो ऐसे हो गया ना जैसे दाल चावल में अचार। एक नेता ना सबसे बड़ा अभिनेता होता है, झूठे झूठे वादे करके हमसे हमारी बदनसीबी पर मोहर लगवाते हैं। मुझे नहीं देना यार कोई वोट, वोट सब चोर है। तुम कौन हो भाई और क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? देखो जैसी हमारी प्रजा होती है वैसे ही राजा होता है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और यहाँ हमें अपना नेता चुनने का पूरा अधिकार होता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है हमारा और हम ही वोट डालने में पीछे रह जाते हैं। फिर हमें एक ऐसा नेता मिल जाता है जो गलत होता है और उसको हम ऐसे ही कोसते रहते हैं। किस अधिकार की बात कर रही हो तुम? अरे डाकुओं में से ना चोर चुनने का अधिकार है ये। इन नेताओं के लिए ना हम वोट बैंक से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अरे कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ। तुम हो ना? मैं? तुम समझदार लगते हो और ईमानदार तो तुम होंगे ही, तुम क्यों नहीं इलेक्शन में खड़े होते? मैं इलेक्शन में कैसे खड़ा हो सकता हूँ? निकल गई ना हवा। यूं ही खड़े होके दूसरों को गाली देना आसान होता है, खुद कुछ करना मुश्किल। इसीलिए कंप्लेन मत करो, जाओ और वोट दो, सही नेता चुनो। क्योंकि अगर तुम वोट नहीं करोगे तो चोर के बदले डाकू आएगा और किसी ईमानदार के बदले चोर। इसीलिए जब आए इलेक्शंस की बारी तो समझो तुम अपनी जिम्मेदारी। फैलाना है ये संदेश भैया, बचाना है ये देश भैया। जाओ करो तुम वोट बारी बारी, समझो तुम अपनी जिम्मेदारी। समझो ये अफसाना भैया, वोटिंग बदल सकती है तकदीर का पहिया। ईद की है एक वोट है भैया, जान ले ये दुनिया सारी, समझो तुम अपनी जिम्मेदारी। क्या आप लोग जानते हैं इस देश में 30% से ज्यादा लोग आज भी वोट नहीं देते हैं? सोचिए अगर यही लोग वोट देना शुरू करते तो इस देश में कितना बदलाव आ सकता है। इसीलिए इस बार इलेक्शन आते ही आप अपने नजदीकी मतदान केंद्र में जाएं और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दें। और हाँ, अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद ना हो तो नजदीकी बूथ पर जाके नोटा का बटन दबाएं। इसी के साथ आप लोग अपने फोन पर वोटिंग हेल्पलाइन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप इलेक्शन से जुड़ी सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करनी हो, नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना हो या पुराने पर कोई बदलाव करना हो, ये सारी सुविधाएं इसी ऐप पर उपलब्ध होंगी। और याद रखिए कि वोट देने से पहले वोटिंग हेल्पलाइन में अपना रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है तो आप चेक भी कर सकते हैं, साथ ही सिर्फ 5 मिनट में अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। अरे भैया ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ ये वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए कोई और भी तरीका है? हाँ है ना,
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप वोटर पोर्टल या nvsp.in पर जाकर फॉर्म 6 भरकर नया रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपने एरिया के BLO को फॉर्म भरकर भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो टोल फ्री नंबर 1950 पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो जल्दी करवाओ ना और अपने वोटिंग राइट का पूर्ण रूप से लाभ उठाओ, क्योंकि भले ही 18 के बाद आपको मिले छूट अपरंपार, पर सदा आपके साथ रहता है आपके वोटिंग का अधिकार। तो चलिए इस बार सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और अपने नजदीकी मतदान केंद्र में वोट डालने जाएंगे, क्योंकि हर एक वोट जरूरी होता है। अरे खत्म हो गया क्या? अरे नहीं रे, हम ना चुपचाप आते हैं ना चुपचाप जाते हैं, तो बजाओ रे। तो अच्छा जी, हम चलते हैं।